भूमि विवाद में भू माफियाओं की तरफ से मजदूरों के साथ मारपीट करने और हवा में गोलियां चलवाने का मामला प्रकाश में आया है। घटना बोकारो सेक्टर 12 थाना क्षेत्र के नेहरू कोऑपरेटिव स्थित प्लॉट नंबर 4x1 का बताया जा रहा है, जहां 1111 नंबर प्लॉट पर विवाद हुआ है। गोलियां चलने की आशंका भी जताई गई है और भूमि विवाद में मजदूरों तक के साथ मारपीट की गई है। मैं इंडियन एयरफोर्स में हूँ अभी डिपुटेशन पे, और मैं पुणे में भी ड्यूटी है मेरा। कर्नल साहब, क्या है आज जो आप ये ज़मीन 1999 में मेरी मदर के नाम से अलॉटेड है। उस समय से एच के सिंह से पहले एक इंदू शंकर नाम का गुंडा हुआ करता था यहाँ पे, वो परेशान करता था। 2012 में ये एच के सिंह, ये 1111 नहीं, इससे यही नहीं है, 10, 11, 12, 13 पीछे 16 सब हड़प के बैठा है। और वो इसी चीज़ का फ़ायदा उठाता है कि मतलब यहाँ कुछ विवाद कर दें और उसके बाद काम रुक जाए। आज क्या हुआ? आज हम अपना प्लॉट पे बाउंड्री करा रहे थे, हम जब उधर डीसी मैडम के पास थे अभी इसी को लेके, सब मामले को लेके, तो बीच में सूचना मिली कि यहाँ पे कुछ जो मेरे लेबर काम कर रहे थे उनको मारपीट के भगा दिया गया है। गोली चलने की भी बात आ रही है? अब ऐसा कोई पुष्टि नहीं कर रहा है किसी बात की, अब कह नहीं सकते इस पर। लेकिन अगर ऐसी गोली चली है तो ये बहुत बहुत ही मतलब ग्रेविटी वाली चीज़ है, इसको बहुत सीरियसली लेना चाहिए अगर ऐसा जांच में निकल के आता है तो। यहाँ पे 1111 प्लॉट है बारी कोऑपरेटिव, सूचना मिली थी कि इस प्रकार के यहाँ पे कुछ झगड़ा किया गया है, प्लॉट पे निर्माण कार्य चल रहा था, कर्नल साहब हैं उनके प्लॉट पे निर्माण कार्य चल रहा था, सूचना मिली थी कि यहाँ पे कुछ जो है सो असामाजिक तत्वों के द्वारा आकर के यहाँ पे लेबर के साथ मारपीट की सूचना या फिर धक्का मुक्की की सूचना उन लोग के साथ की गई है, डराने धमकाने की बात अभी तक आई है। जिस सूचना में यहाँ पे लोकल जो सेक्टर 12 थाना वो भी आई, मुझे भी सूचना मिला, मैं भी आया। जहाँ तक बात है फायरिंग की, तो ऐसा कुछ अभी तक स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। एक र्यूमर भी हो सकता है कि झगड़ा जब हुआ तो उसमें कि कहीं से उड़ा होगा र्यूमर की फायरिंग हुआ, क्योंकि पूरा चारों तरफ सर्च भी किया गया जिस जिस एरिया वहाँ पर किसी प्रकार का ये फायरिंग का कोई प्रमाण नहीं मिला अभी तक। हालांकि हम लोग CCTV वगैरह भी चेक करवा रहे हैं, अगर इस प्रकार का होगा तो सुसंगत धारा में भी FIR किया जाएगा। हालांकि अभी कर्नल साहब को बताया गया है कि एक आवेदन देने के लिए मारपीट जो हुआ है, वो चीज़ जो मजदूर यहाँ काम कर रहे थे उनसे भी पूछताछ अभी की जाएगी कि क्या हुआ था सारा चीज़। जमीन विवाद कर्नल साहब का यहाँ पे निर्माण कार्य चल रहा था तो उसी जमीन भी कमाल करते हो जी, बच्चे घूमने की इतनी जिद कर रहे हैं और तुम हो कि तुम्हें फुर्सत ही नहीं मिल रही। अब इतनी गर्मी में जाए तो जाए कहाँ, इस गर्मी में मस्ती और फन का आ गया है परफेक्ट डेस्टिनेशन वाइल्ड वादी, जहाँ है वाटर पार्क, बर्ड पार्क, फ्लावर पार्क, ट्रैम्पलिन पार्क, अम्यूजमेंट पार्क, 250 फीट लंबा जिप लाइन और क्रिकेट स्टिमुलेशन का खूबसूरत नजारा। वाइल्ड वादी 10 माइल चौक रांची, वाइल्ड वादी यानी अनलिमिटेड फन और अनलिमिटेड मस्ती।